नमस्कार, मैं हूं अंजलि इसवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दिक्कत की जिसके बारे में लोग बात करने से अक्सर कतराते हैं। अगर आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है यानी कि खून आ रहा है तो ये किसी बड़ी बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और जांच कराएं। स्टूल में ब्लड आना एक अलार्म फीचर होता है। हम लोग किसी भी डॉक्टर के लिए कहीं से भी ब्लीडिंग एक अलार्म फीचर होता है जिसके लिए कारण ढूंढना ज़रूरी होता है। सो ब्लड इन स्टूल्स के जो कारण होते हैं वो दो हिस्सों में उनको बांट सकते हैं। एक तो पेन लेस ब्लीडिंग, मतलब बिना दर्द के ब्लीडिंग होना। एक होता है जब टॉयलेट जाते हैं तो साथ में पेन हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग और पेन के साथ होना कारण कम होते हैं, जिससे कि जैसे कि गुदा के रास्ते को छिल जाना, जिसको फिशर बोलते हैं। जो पेन लेस ब्लीडिंग होती है, बिना दर्द के ब्लीडिंग, उसके कारण यंग पीपल में बवासीर या पाइल्स की वजह से होता है। और जब भी ब्लीडिंग होती है उसमें सिंपल कारण से लेके बड़े कारण भी निकल सकते हैं। जैसे ही उम्र बढ़ती जाती है, 50 से ऊपर या 40 से ऊपर जाने पे बड़ी आंत के कैंसर का कारण भी हो सकता है। तो मोशन में ब्लड आ जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। कुछ सिंपल से टेस्ट से हमें उसका कारण ढूंढ के उसका इलाज करना चाहिए। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको आज बता रही है कि प्याज के क्या फायदे होते हैं। अनियंस यानी कि प्याज, आजकल प्याज बड़े महंगे तो हो गए हैं मगर इसके फायदे भी काफ़ी हैं। अनियंस में एक बहुत अच्छा फाइटोकेमिकल होता है जो कि विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। तो जब भी आप प्याज खाएं, उस पर आप नींबू लगा के खाएं तो वो नींबू आपका बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से होएगा। दूसरी बात यह है, अनियंस में इतनी अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ है कि आप के अगर अल्सर्स हो गए हों या डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम हो तो आप अनियन का जूस बना के उसका सेवन किया करिए। आपको अगर कोई इंसेक्ट ने या इंसेक्ट बाइट हो गया हो तो आप अनियन का जूस उस पर अगर लगाते हैं तो ये भी काफ़ी हील हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। तो अनियंस जो ग्रीन अनियंस हैं उसमें बहुत हाई मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स हैं जो बहुत सारे डिजीज से आपको प्रोटेक्शन करता है। अनियंस जैसे आप स्कैल्प पे भी लगाते हैं तो गुड फॉर हेयर ग्रोथ आल्सो होता है और स्कैल्प की जितनी डिजीज़ है उससे भी आप छुटकारा पाते हैं। तो अनियंस बहुत ही हाई उमदा जिसे कहते हैं सब्जी है, इसका सेवन करने से काफ़ी सारे लाभ हमें देखे गए हैं। आज हमारी योगा एक्सपर्ट आपको सिखा रही हैं कुछ ऐसे आसन जो आपके सेंट्रल ईयर सिस्टम के लिए अच्छे हैं। नमस्कार, आज जो हम मूवमेंट करेंगे वो हमारे सेंट्रल ईयर, हमारे जो सेंट्रल ईयर सिस्टम है उसको क्लियर और बैलेंस करने के लिए है। ये मूवमेंट आप ध्यान से करेंगे। अगर आपको सर्वाइकल या नेक इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं या सिवियर हैं तो इसे ना अटेम्प्ट करें। ये एक बहुत सिंपल हेड मूवमेंट है जिसमें हम नंबर 8 बनाएंगे अपने हेड से और इसको हम 3 मिनट के लिए कंटिन्यू रखेंगे। अब हम देखेंगे ये हम कैसे करेंगे। आपके हाथ आपके नीज पे आएंगे टू बिगेन विद और उसके बाद हम अपना जो हेड है अब वो हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, आगे की तरफ लेंगे, इसको घुमाएंगे, इसको आधा वापस लाके राइट की तरफ लेंगे, घुमाएंगे और फिर हम सेंटर में आएंगे और कंटिन्यू रखेंगे। ये आप बहुत आराम से करेंगे, इसे जल्दी नहीं करना है। और मेंटली नंबर 8 की फिगर रखते हुए आप ये मूवमेंट करते जाएंगे। इसी तरीके से आप अपना हेड वापस सेंटर में लाएंगे। यहाँ पे 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंखें बंद करके रखेंगे, अपनी एनर्जी वॉच करेंगे और फिर रिलीज कर देंगे। ये 3 मिनट के लिए आपने मूवमेंट करनी है। सेंट्रल बैलेंस, ईयर बैलेंस, ओवरऑल हेड बैलेंस। आज के लिए इतना ही।
नमस्कार। फिट रहे इंडिया में अब वक्त है नेचुरल ब्यूटी टिप्स का। नमस्कार, आज हम बात करेंगे गर्दन के बारे में, यानी कि हमारी नेक, हमारे चेहरा जितना ही ज़रूरी है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि ये निगलेक्टेड एरिया इसके अंडर आता है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नेक एरिया के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि नेक के ऊपर ही एंटी एजिंग साइंस होते हैं, और अक्सर मैंने देखा है कि नेक पे डार्क पैचेस एंड लाइंस भी पड़ जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए राइस पाउडर, जो आप घर पे कोई भी चावल इस्तेमाल करते हो उसको आप मिक्सी में डाल के बारीक पीस लीजिए ताकि वो दरदरा हो। 3 चम्मच चावल, 1 बड़ा चम्मच लाल मसूर दाल। लाल मसूर दाल एक ऐसी दाल है जिससे स्कार्स, मार्क्स, कोई भी निशान हो वो एकदम हल्के हो जाते हैं। और इसमें हम डालेंगे मुल्तानी मिट्टी तकरीबन 1 चम्मच, जो एक बाइंडिंग एक्शन हमें देगी। इसमें हम डालेंगे खीरा कद्दूकस करके। जैसे हम सभी को मालूम है, एक टैनिंग प्रॉपर्टी देता है, कूलिंग प्रॉपर्टी देता है, एंड अगर आपके डार्क मार्क्स हैं नेक के ऊपर वो उनको लाइटन करने में मदद देगा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल, तो जैसे ही हमें अपनी त्वचा के ऊपर एक टोनर की ज़रूरत है, हमें अपने नेक पे भी टोनिंग करने की ज़रूरत होती है। और इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस अगेन इज़ अ नेचुरल डिटैनर, इट हेल्प्स लाइटन स्किन। पानी इनफ टू मेक अ स्मूथ पेस्ट, तो पानी थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे, बट ये ना भूलें कि जो क्यूकम्बर है उसके अपने जूसेस होते हैं, जिसकी वजह से आपको एक लाइटनिंग इफेक्ट देगा एंड योर पैक विल ऑल्सो बिकम स्मूदर। ये पैक कम स्क्रब आप अपनी क्लीन नेक के ऊपर लगा के छोड़ दीजिए। जब ये सूख जाएगा इसको दूध से या तो डैप कर लीजिए या पानी से, और इसको रोटेटिंग मूवमेंट्स में स्क्रब करके पानी से धो डालें। दिस आई प्रॉमिस यू कि आपके जो मार्क्स हैं वो फेड हो जाएंगे, और वंस अगेन हमारी जो फैबुलस नेचुरल ब्यूटी रेसिपीज हैं उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सी यू टुमारो। और देखते हैं क्या है आज की मेकअप टिप। ज़्यादातर लोगों को अपनी आईब्रो का आर्च बहुत पसंद है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी आईब्रोज में आर्च नहीं होता या फिर बहुत ही कम आर्च होता है। आज की टिप खास तौर से इसीलिए है कि अगर आपकी आईब्रो में आर्च थोड़ा कम हो तो आप उसे और ज़्यादा डिफाइन और इन्हेंस कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वाइट आई पेंसिल की। आप वाइट आई पेंसिल लीजिए और जहाँ आपकी आईब्रो में आर्च है उधर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करिए, कुछ इस तरह। अब ध्यान से देखें तो मैंने ये लाइन पूरी अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ड्रॉ नहीं करी, सिर्फ हाफ वे थ्रू ही करी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप एक फ्लैट ब्रश लीजिए और इससे इसी लाइन के ऊपर ब्लेंड कर लीजिए थोड़ा सा नीचे की तरफ। आप अपने आईब्रो हेयर की तरफ नहीं जाएंगे, आप इसे हल्का सा नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे, कुछ इस तरह। अब आप दोनों आईब्रोज में कंपैरिजन देखिए। सो ड्रॉ अ लाइन हाफ वे थ्रू एंड नाउ फ्लैट आईब्रो ब्रश से उसे ब्लेंड करिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड हियर यू हैव योर आर्च्ड आईब्रोज। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर, चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fitrahindia। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।